हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचर्स क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो जैसे कि आप जानते हो, हम सेवेंथ लेसन मेंसुरेशन कर रहे हैं एंड वी आर इन प्रैक्टिस सेट 7.3। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। एज इफ यू सी हियर, वन क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। PQ they have given 14 centimeter and QR is 21 centimeter. ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड मिला है हमें। यू हैव टू फाइंड द पार्ट्स ऑफ एरिया ऑफ द पार्ट्स ऑफ X, Y एंड Z. वी हैव टू फाइंड दिस पार्ट्स एरिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है? क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। इफ इट इज रेक्टेंगल, सो वॉट डू यू नो? PQ is 14 centimeter and QR is equal to 21 centimeter given. ठीक है, नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू, विल कंसिडर वन पॉइंट। जो लाइन यहाँ टच हो रही है आर्क, तो इसको हम एक को M कंसिडर करेंगे, एक को N कंसिडर करेंगे। ठीक है, कंसिडर पॉइंट्स M एंड N as shown. पार्ट एक्स एंड वाई, ये क्या है? दे आर सेक्टर्स। दिस मच इज क्लियर। नाउ फॉर पार्ट एक्स, अभी ये सेक्टर्स है तो ये 14 रेडियस हो जाता है ना उसका। ठीक है, रेडियस आर दैट इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो मेजर आर्क पी एम is equal to angle PQM, ठीक है, equal to theta. अब rectangle है तो obviously ये कितनी degree के होंगे? 90 degree के, so it is equal to 90 degree. This much is clear. Now area of part X is equal to theta upon 360 into pi r square. Now what is theta? 90 upon 360 into 22 upon 7 into 14 into 14. इतना क्लियर? 7 टू ज़ा 14, 9 वन ज़ा 9, 9 फोर 36, तो 90 वन ज़ा 90, 19 फोर ज़ा 94 ज़ा इज 360. क्लियर, इतना हो गया। 2 टू ज़ा 4, ठीक है। अब 2 11 ज़ा 22, तो वी आर गेटिंग 11 इंटू 14. अब 11 इंटू 14 कर दीजिए, 14, इट विल बिकम 154. So you are getting 154 centimeter square. So these are the area of part X. ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब QM और PQ क्या है? इक्वल है, क्योंकि अगर रेडिया ही अगर सेक्टर बना रहे तो हम ऑब्वियसली PM और QM क्या होंगे? रेडिया होंगे, अगर सेक्टर हम बोल रहे क्या X पार्ट को। तो दिस थिंग दिस लाइन्स आर व्हाट? रेडियस। सो हम लिखेंगे QM इक्वल PM equal 14 centimeter. Why it is 14 centimeter? Radii of the same arc. क्या है वो? Radii of the same arc है. And we know QM plus MR is equal to QR. Figure में ही देख लो, ये पूरी line अगर QM और MR को हम plus करें तो पूरा क्या मिल जाएगा? QR मिल जाएगा। ठीक है, Why? Because M is in between Q and R. तो QM हमें 14 मिल गया, प्लस वी डोंट नो व्हाट इज MR एंड QR इज 21, देयरफॉर MR इज इक्वल टू 21 माइनस 14, देयरफॉर MR इज इक्वल टू 47 सेंटीमीटर। सो MR मिल गया, अगर हमें MR मिल रहा है तो हम इसे ऐसे रेडियस, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं Y का, सेम तरीके से। नाउ सो फॉर पार्ट Y, रेडियस R1 is equal to MR is equal to 7 centimeter. ठीक है, equal to 7 centimeter. Measure arc MN. जो है वो क्या होगा? Is equal to angle MRN equal to 90 degree. Fine? Equal to angle MRN equal to theta 1 equal to 90 degree. So, area of part Y is equal to theta upon 360 into pi r square.
that is 90 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7, 7, 7 cut, 91 za, 94 za, 211 za, 22 za, आपके पास मिलता है 11 into 7 is 77, 77 upon 2, divide this 77 by 2, 2, 2, 3 za, 6, ठीक है, 17, 28 za, 16, ठीक है, 1 point डालिए 0, 25 za, 10, तो हमें मिलता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये हमारा क्या मिल गया, हमें पार्ट वाई मिल गया, अब आगे भी बाकी है इसका। नाउ वी हैव टू फाइंड जेड ऑल्सो, सो अभी जेड के लिए हम एफर्ट मारेंगे। सो अब इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्यू आर इंटू पी क्यू, ओके, दैट इज इक्वल टू 21 इंटू 14, 21 से 14 मल्टीप्लाई करिए, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 1 वन ज़ा 1, 1 टू ज़ा 2, 4, 9, 2। सो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ पार्ट जेड। एरिया ऑफ पार्ट जेड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई। ये सबको आपको माइनस करना पड़ेगा, 294 माइनस 154 माइनस 38.5। तो पहले 294 से 154 माइनस करिए, 041, 140 मिलता है। अब 140 से आप क्या करोगे, 38.5 माइनस करोगे तो यहाँ 0.583 इस तरीके से होगा, कट 10 कट 10 ये 5, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 3 0 1, आपको मिलता है 101.5, इट्स इक्वल टू 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने सभी के एरियाज निकाल लिए। आंसर में आप मेंशन करोगे एरिया ऑफ पार्ट एक्स इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पार्ट जेड इज इक्वल टू 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये सम भी कंप्लीट होता है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हॉट्स के क्वेश्चन से, हाँ, इफ इट इज गोइंग कम ये आ सकता है अच्छे से, एंड लास्ट वाला भी वैसे ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ ध्यान दे दीजिए। नाउ एज यू सी इन द फिगर वन ट्रायंगल इज गिवन दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, एज इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल होंगे इसके। एल एम दे हैव गिवन 14, देन एम एन विल बी ऑल्सो 14, एल एन भी 14 होगा, ये याद रख लीजिए। नाउ एज शोन इन दिस फिगर देर आर थ्री सेक्टर, एक सेक्टर है, एक सेकेंड सेक्टर है, ये थर्ड सेक्टर है, हाँ, ड्रॉन विद द वर्टाइसेस एज सेंटर एंड रेडियस इज वॉट 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड ट्राइंगल एल एम एन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन पहला है, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर्स, टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, टोटल एरिया उसका निकालना है, एंड एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट, वेल स्टार्टिंग क्वेश्चन इज वॉट, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। तो हमें बोला गया है ट्राइंगल एल एम एन इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। यू हैव टू कंसिडर एक्स वाई जेड एज अ पॉइंट देयर, मैंने बता दिया है वहाँ, कंसिडर पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड एज शोन। फर्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या है, एल एम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू 14 स्क्वेयर।
सो इट्स इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196. डिवाइड करो 4 4 16, ठीक है, 3 6 4 9 36. ओके सो आपको मिलता है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 49. रूट 3 की वैल्यू क्या है, 1.732 लिखना है, इंटू 49 करना है. यहाँ लिखोगे सिंस रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, फाइन. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, ओके अप्रॉस मत लाना है, 1732 इंटू 49, 9 2 18, 9 3 27, 28, 9 7 63, 64 65, 6 कैरी, 9 1 9, 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 4 2 8, 4 3 12, 28 29, 4 1 4, 5 6, 8 16, 8 14. तो 84. अपना यहाँ डेसिमल प्लेस था तो 84.868 हमें मिलता है, 84.868 हम उसको अप्रॉक्सिमेट करके लिखेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज अप्रॉक्सिमेटली टू 84.87, यहाँ 1 कैरेट सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पहला पार्ट क्लियर हो गया आपको, एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर दिया, अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं इसके. तो सेकेंड में हम ढूंढेंगे एनी वन सेक्टर ना, तो फॉर अ सेक्टर एल एग्जैक्ट, तो रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, एंगुलर मेजर. देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी जो साइड है वो इक्वल होता है, इवन देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल. तो एंगल्स इक्वल है तो कितना होगा, 60 डिग्री हुआ. ये सिंपल कॉमन सेंस याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, ठीक है. सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं. ऑफ आर्क इज मेजर आर्क एक्जेड दैट इज एंगल एक्स एल जेड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. रीजन आएगा एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्लियर. सो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर L x z is equal to theta upon 360 into pi r square. Theta is 60 upon 360 into 22 upon 7 into 7 into 7 7 7 cut 61 za 66 za. Okay, 2 11 za 2 3 za. You are getting 77 upon 3. Sorry. Look here. करते हैं डिवाइड, 77 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, 1 7, 3 5 15, 2 आ गया, डॉट डालिए, 0 लीजिए, 3 6 18, 2 0, 3 6 18, 2 0, 3 6 18, ऐसे ही बढ़ते जाएगा. तो यू आर गेटिंग 25.666 सो एंड सो. तो इसको अप्रॉक्सिमेट में लिखेंगे 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दिस इज योर एरिया ऑफ सेक्टर एल एक्सएल, ठीक है. अब बाद में आपको थर्ड क्वेश्चन में बोला है टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. देखो अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जितने भी सेक्टर्स होंगे उसमें सेम होंगे, इसके लिए एनी वन बोला था उन्होंने, तो हमें दोनों की ढूंढने की जरूरत नहीं, बिकॉज बाकी भी क्या होंगे, सेम होंगे. इट्स इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर एल एग्जिट दैट इज 3 इंटू 25.67. 3 7 21, 2 कैरी, 3 6 18, 19 20, 3 5 15 16, 17 6 7, 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. These are the total area of the sector. Now last question, area of the shaded region is equal to area of triangle LMN minus total area of 3 sectors. It's equal to क्या मिला था, 84.87
-77.01. तो 84.87 से आप क्या करोगे, 77.01 माइनस करेंगे, 14 क्या मिल गया, 7 मिल गया. सो यू आर गेटिंग 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से हमने पूरा जो चार क्वेश्चन था हमारा सॉल्व कर दिया. लास्ट में आंसर मेंशन करिए. एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकंड था, एरिया ऑफ वन ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड वॉज टोटल एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स, दैट वॉज 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड फोर्थ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इट इज़ इक्वल टू 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से हमने हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 7.3 आज वो कंप्लीट हो चुका है. आपको होप आपको सब समझ में आया हो. इफ़ एनी क्वेरीज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल हेल्प यू. टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.